दोस्तों वीवो तैयार है अपने न्यू स्मार्टफोन वीवो V27e को लॉन्च करने के लिए। अब दोस्तों इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैल रखी है कि क्या ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है या फिर ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगा या फिर कहीं और लॉन्च होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करूंगा इसी वीवो V27e के बारे में, क्या ही कार ये इंडिया मार्केट में कब लॉन्च होगा, इंडिया मार्केट में इसकी क्या प्राइस पॉइंट होने वाली है, इसकी स्पेसिफिकेशन जो है क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाली है। तो बस आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। सो है गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल Without wasting any more time, guys, let's get straight to the video. So, दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे Vivo V27e 4G के जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे जो आपको 6.62 इंच का एक फुल HD प्लस वाला AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जहां पे जो आपको 120 हर्ट्ज का हाईएस्ट रिफ्रेश रेट लगा दिया जाएगा। एंड हां, ध्यान दीजिएगा कि यहां पे कोई फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, कोई भी कर्व डिस्प्ले देखने को नहीं मिलने वाला है। सामने की तरफ जो है पंचोली स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले होने वाला है, जहां पे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है। बैक की तरफ जो है आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आएगा। एंड सेकेंडरी एंड थर्ड कैमरा सो कॉल्ड 2-2 मेगापिक्सल का चिप दिया जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुरी बात है कि एक भी अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यहाँ पे वीवो प्रोवाइड नहीं कर रही है इस स्मार्टफोन में। एंड यहाँ पे जो आपको 4600mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि ऑब्वियस है टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा। एंड यहाँ पे जो आपको 66W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा। एंड प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे जो आपको मीडियाटेक की तरफ से हीलियो G99 चिपसेट देखने को मिलेगा। जी आपने सही सुना, हीलियो G99 देखने को मिलेगा। मतलब ये एक 4G स्मार्टफोन होने वाला है, 5G नहीं होने वाला है। एंड हाँ, यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलेगा, तो या तो आप 2 SIM लगाकर यूज कर सकते हैं या फिर 1 SIM के साथ साथ एक SD कार्ड लगाकर यूज कर सकते हैं। एंड हाँ, ये स्मार्टफोन जो है फ्रंट टच OS 13 पे रन करेगा, जो कि आपको एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। तो ये रही स्पेक्ट की कहानी वीवो V27e की। अब अगर मैं आपसे इसके लॉन्च और प्राइसिंग के बारे में बात करूं, तो देखिए ये स्मार्टफोन जो है 1 मार्च को इंडिया मार्केट में लॉन्च नहीं हो रहा है, ये स्मार्टफोन जो है 1 मार्च को मलेशिया में लॉन्च हो रहा है। देन हाँ, आपको इंडिया मार्केट में देखने को मिलेगा। तो मान कर चलिए कि ये स्मार्टफोन जो है आपको अप्रैल के आसपास इंडिया मार्केट में देखने को मिल सकता है, या फिर मार्च एंड के आसपास देखने को मिला तो मिला, नहीं तो अप्रैल में मान कर चलिए इंडिया मार्केट में देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसके प्राइसिंग के बारे में बात करूँ, तो ऐसा बताया जा रहा है कि स्मार्टफोन की प्राइसिंग जो है 20,000 को एक्सीड करेगी। और भाई 20,000 का आप ऊपर कोई स्मार्टफोन लॉन्च करके 4G स्मार्टफोन दे रहा हो, ये कैसे जस्टिफाई करेगी वीवो, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। मतलब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार भाई 23-24 हज़ार का फ़ोन बताया जा रहा है कि ये प्राइसिंग होने वाली है, और 23-24 हज़ार का इंडिया मार्केट में लॉन्च करेगी और उसकी प्राइसिंग जो रख देगी भाई 23-24 हज़ार रुपये, और वहाँ पे हमें 4G स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, तो इसको वीवो जस्टिफाई कैसे करेगी, ये देखने वाली बात होगी। बट खैर, जब लॉन्च होगा देन यहाँ से आपको फ्रैंक ओपिनियन देखने को मिलेगा। बट फिलहाल यही जानकारी थी जो हमको देना चाहता था। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे कि जैसे ही एक और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।